माफ कीजिएगा, महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। और माफी के साथ मैं थोड़ा ज्यादा ही उत्साह में, मुझे ऐसा लग रहा है। स्वामी जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। कहा जा रहा है कि 500 सालों की जो तपस्या है, वो तपस्या, वो संघर्ष, अब उसका परिणाम हमें सामने नजर आएगा। भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब रामलला विराजमान होंगे। और ऐसे में आपसे अगर मैं राम को समझना चाहूं तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले अयोध्या की इस पावन धरती पर, मां सरयू के इस पावन तट पर, मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक समय था महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन तक वो युद्ध चला, और आज पुनः न्यूज 18 ने ये 18 का अंक अपने आप में एक बड़ा ही विजयकारी और परिवर्तनकारी नंबर है। हमारी भगवद गीता के अध्याय भी 18, और इसलिए, लेकिन एक महाभारत का युद्ध हुआ, अब हो गया, लेकिन आज महाभारत के युद्ध की नहीं, महान भारत के निर्माण की बात है। और न्यूज 18 ने अयोध्या के इस पावन तट पर ये जो शुरुआत की है, ये प्रारंभ किया है, ये अपने आप में आह्लादकारी है। 500 वर्षों की तपस्या। सबसे पहले तो मैं उन सभी बलिदानियों को, उन आस्थावान महापुरुषों को जिन्होंने भगवान श्री राम, जो रोम रोम में राम हैं, उन सब के लिए, जो हम सबके आराध्य हैं, अपना जीवन आहूत कर दिया, उन सबको प्रणाम करते हुए, उन सभी संतों की साधना को प्रणाम करते हुए जिन्होंने इस यज्ञ की ज्वाला में अपनी आहुतियां प्रदान की और आज भी लगातार अपने श्रद्धा और आस्था की, समर्पण की आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, उसी का प्रताप है। हजारों साल पूर्व भगवान श्री राम का प्राकट्य और फिर 500 साल की यह साधना, यदि मैं देखूं तो मुझे याद आ रहा है 45 वर्ष पूर्व जब अमेरिका में हमने वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया और उसमें इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के प्रसिद्ध श्री अनूप जलोटा जी, जो भजन सम्राट हैं, वे वहां पर आए। उन्होंने गीत गाया, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम रोम में राम रहे, ये गीत गाया उन्होंने, मुझे आज भी याद है। और कि 45 सालों की वो गूंज आज भी अमेरिका के उन सब लोगों के दिलों में गूंजती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम एक सत्ता नहीं बल्कि सत्य है। इस सत्य का चमत्कार है जो आज हम देख रहे हैं कि अयोध्या में इतने संघर्षों के बाद ये सिद्धि प्राप्त हुई है और ये भगवान श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है ये केवल श्री राम मंदिर नहीं बल्कि ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी की स्थापना की भगवान श्री राम ने, इसलिए रोम रोम में राम। आप देखिए तो सही उनका स्वरूप, वो सत्ता का स्वरूप नहीं है, वो सच मानिए तो भक्ति की जो शक्ति है उसके स्वरूप का दर्शन होता है। और वे खुद शक्ति होते हुए भी उस भक्ति की शक्ति का दर्शन कराते हैं। अगर आप देखें, चाहे वो केवट हो या वो शबरी हो, चाहे वो निषाद राज हो या वो गीध राज हो, इन सबके जीवन में यदि आप देखते हैं, उससे पता लगता है कि लोगों के मन में, उनके तन में कैसे रोम रोम में राम बसे हैं। इसलिए आज अगर मैं देखता हूं उस शबरी की वो लाइन, गुरुजी ने कह दिया राम आएंगे, बस वो तो जुट गई, राम आएंगे, जिस रास्ते आएंगे उस रास्तों को बुहारने लगी, पूरे गांव को बुहारने लगी, उस पूरे क्षेत्र को सफाई करने लगी और गाती रही, मेरी झोपड़ी के जाने लगी, बिल्कुल, वो तो, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी झोपड़ी के भाग आज
खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। और भगवान श्री राम पधारे और आप देखिए, ये विश्वास है, ये चुंबक की तरह है सत्य अपने आप में। मैं तो हमेशा कहता हूं, हम भारतीयों को, हम सनातियों को, हम हिंदुओं को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, हमें ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, हमें असर्टिव होकर अपने सत्य को आगे लाना है। और उस सत्य का चमत्कार है, क्योंकि सत्य तो चुंबक की तरह है, सत्य सबको खींचता है। इसलिए भगवान श्री राम का वो पावन चरित्र, उनके चरित्र ने सबको अपनी ओर खींचा, अपने से जोड़ा, जहां गए, जहां भी वो गए, उन सबको वे जोड़ते चले गए। आज समाज में जब भगवान श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं, अब दूसरा कार्य है भगवान श्री राम की, वो कला जिससे उन्होंने सबको जोड़ा, जहां भी गए, जिससे मिले। अगर मैं तो कहता हूं, अगर वो श्रीलंका में भी गए, वो केवल एक पत्नी की बात नहीं थी, बिल्कुल, माँ सीता तो हमारी संस्कृति है, महाभारत की गीता और रामायण की सीता जी, ये दोनों हमारी संस्कृति हैं। उस संस्कृति को की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, जो उन्होंने जी आदर्श स्थापित किया, आज समाज में यही लाने की जरूरत है कि अपनी माँ बहनों के लिए, अपने परिवार की शक्तियों के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए, जैसे भारत के ऊर्जावान तपस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन किया, किस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे समाज की नारियों का सम्मान हो, और इसकी शुरुआत की भगवान श्री राम ने अपने तप से, अपनी साधना से। बिल्कुल, और आज राम नाम ही वो नाम है जो पूरे सनातन को जोड़ने वाला नाम है, आप यही कह रहे हैं, जो पूरे विश्व को जोड़ेगा, न सिर्फ राष्ट्र को बल्कि विश्व को। और इस वक्त जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं, यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, और आपने भी अपने जीवन को राम नाम के लिए समर्पित किया। आपसे मैं वो सवाल करूंगी कि आखिर आप क्यों चाहते हैं कि सिलेबस में रामायण, राम का जीवन और गीता का पाठ हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि रोम रोम में राम कैसे हैं, आपको कैसे लगता है? मैं न्यूज 18 को पहले तो धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यह श्री राम महापर्व सरयू जी के तट अयोध्या नगरी में किया, बहुत बहुत साधुवाद। जो राम शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के 18वें दोहे में कही। 18वें दोहे के बाद जो पहली चौपाई आती है, बंधु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। व्याख्या वैसे बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन रकार आकार और मकार से राम तत्व की व्युत्पत्ति हुई है। राम ही ब्रह्म है, राम ही शिव है, और राम ही विष्णु है, और राम ही परात्पर परब्रह्म है। हमारा जो श्वास चलता है, प्राण चलता है, यह भी राम है। इस सृष्टि में जितना भी जीव तत्व है, चेतन तत्व है, चाहे वो अचेतन हो, जड़ हो, वो सब राम ही राम है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। राम किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं है, किसी एक कुटुंब परिवार के नहीं है, किसी एक देश के नहीं है। राम तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। संसार में जो प्रेम तत्व है, वही श्री राम है। और राम को किसी जाति विशेष में बांध देना, तो ये राम के साथ न्याय नहीं होगा। अगर आज अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो ये एक वैश्विक मंदिर है,
ये पूरे संसार के लिए है। राम का आदर्श, राम का चरित्र, राम का व्यवहार, श्री राम की वाणी, ये किसी समुदाय विशेष की नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। कोई भी विश्व का प्राणी या मनुष्य या संप्रदाय ये नहीं कह सकता कि हम राम के इस व्यवहार की पालना नहीं करेंगे। स्वामी जी, जब ऐसा है तो फिर इतनी लड़ाई, इतने संघर्ष की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक सवाल बार बार आता है, राम जब सबके हैं तो फिर इतना संघर्ष, इतना विवाद राम के नाम के साथ क्यों जुड़ा? देखिए, जब से सृष्टि है तब से देवासुर संग्राम भी है, और चाहे इस संसार में हमारा सनातन पक्ष हो, इस्लाम पक्ष हो, ईसाई भी हो, उन्होंने भी दो शक्तियां तो मानी है, कहीं ना कहीं एक सत्य की शक्ति है, एक असत्य की शक्ति है, एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। तो सत्य को भी कई बार लड़ना पड़ता है, सत्य कई बार परेशान होता है, लेकिन अंत में 500 वर्ष तक श्री राम जन्मभूमि का यह सत्य संघर्ष करता रहा। लाखों लाख लोगों ने इस संघर्ष में बलिदान दिया, परेशान हुआ, किंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। और आज वही सत्य, राम परम सत्य है, राम रहेंगे। लोग कितना ही कहते रहे कि राम, लोगों ने तो एफिडेविट भी दिए, आज भी लोग कह रहे हैं, लेकिन सत्य सत्य रहता है। सत्य वह है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये कहने वाले तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, श्री राम तो सनातन है, राम रहेंगे। और जो राम को मानेगा वह रहेगा, और जो श्री राम को नहीं मानेगा वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, वह भी नहीं रहेगा। आपका इशारा किनके तरफ है, उनकी भी बात होगी। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, राम के उस स्वरूप का वर्णन आप कैसे करेंगे जो स्वरूप तैयार किया जा रहा है, और हम 23 जनवरी से आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन उस स्वरूप के होंगे रामलला के भव्य मंदिर में? देखिए, गर्भगृह तैयार है, श्री रामलला की प्रतिमा तैयार हो गई है, और जब विराजमान वो होंगे, उनका दर्शन जब पूरे विश्व को होगा, वो केवल उनके स्वरूप का दर्शन नहीं बल्कि उनके चरित्र का भी दर्शन है जी, उनके जीवन का दर्शन है, उनकी मर्यादाओं का दर्शन है, उनके प्रेम का दर्शन है। क्योंकि यही तो भगवान श्री राम हैं कि जिन्होंने मर्यादा पूर्वक जीवन जिया, जिन्होंने अपने जीवन को अपने समाज के लिए, बताइए कौन मिलेगा ऐसा जिसको राज तिलक होने जा रहा हो और राज तिलक होने से पहले पहले उनको वनवास भेज दिया जाता हो, उसके बाद भी नो कंप्लेन, नो ग्रम्बलिंग, जैसा माता पिता ने, जैसा पिता ने आज्ञा दी माँ के कई का उनको पता लगा, लेकिन उसके प्रति भी उनका कोई दुर्भाव नहीं हुआ, बल्कि आश्चर्य तो इस बात का है, यही आदर्शों की स्थापना। अभी आप बात कर रहे थे कि शिक्षा के भीतर कैसे लाना है, आज शिक्षा के भीतर नई शिक्षा नीति में इसी चरित्र को लाना है, इसी सदाचार को लाना है, इसी भाव को लाना है कि जब वे लौट कर आते हैं वे बदला नहीं लेते, बल्कि उनका व्यवहार सारे समाज को बदल देता है। सबसे पहले वो माँ के कई के चरणों में जाते हैं, माँ के कई के भवन में जाते हैं, यही तो दर्शन है, जिसका दर्शन उस माँ, उस भगवान श्री राम की प्रतिमा के माध्यम से होगा। प्रतिमा के माध्यम से तो प्रतिमा का दर्शन नहीं है, बल्कि प्रतिमा में जो प्रभाव है उनके चरित्र का, उनका दर्शन है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ये हमें समझनी होगी, ये हमें जाननी होगी, ये हमें देखनी होगी कि देखिए आज उनका जो चरित्र है, आप जो आज समाज में जिस तरह के वातावरण के बना हुआ है, आज सबसे बड़ा संकट है तो सोच का संकट है, सबसे बड़ा सोच का संकट है। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि क्या आज के संसार में, आज के वक्त में ये मुमकिन है राम हो जाना? देखिए, निश्चित रूपेण भगवान राम होना मुमकिन नहीं है, लेकिन भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन का अंग बना लेना निश्चित मुमकिन है, क्योंकि यही तो उनकी दिव्यता है। अगर ऐसा ना होता, उन्होंने इतनी इतनी जो कष्ट सहे,
वो इसलिए नहीं सहे, वो तो राजा थे, राजा बन जाते हैं, लेकिन वो बन इसलिए गए कि जैसे ही वो बन गए वो भगवान बन गए। भगवान बनना उनकी अपनी वो नहीं थी, लेकिन वो भगवान थे, लेकिन राज रूप में रहते हुए, उस स्वरूप में रहते हुए समाज कैसे समझे कि यदि भगवान आए, चमत्कार किया और चमत्कार को लोगों ने नमस्कार किया, बात पूरी हो गई। उन्होंने कहा नहीं, जब वे मानव बनकर आए तब मानव को किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से रिश्ते निभाने पड़ते हैं, कहां कहां संघर्ष झेलने पड़ते हैं, उन सभी कहां कहां लालच भी सामने आता है, उन सभी लालच को, संघर्ष को और चुनौतियों को कैसे जीतना है, ये भगवान श्री राम ने दिखाया। और आप अगर सखा भाव है तो आप देखिए, विभीषण और सुग्रीव से सखा भाव निभाया, और फिर जब लंका को जीता, लंका को जीतकर वहां डट नहीं गए, वहां रुक नहीं गए, और लंका पर राज करने की भावना से नहीं, बल्कि उन्होंने विभीषण का तिलक किया और वहां से वापस लौटे। यही तो दिखाना है कि ये जो सत्ता है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं कि हमारे देश में समाज ऐसा बने। अभी आपने देखा तीनों मुख्यमंत्री बने, तीनों मुख्यमंत्री सामने हैं, कहां से पिछली लाइन से पीछे बैठे हुए लोगों को उठाया और बताया कि तुम्हें मुख्यमंत्री का, मुख्य सेवक का दायित्व दिया जा रहा है, अधिकार नहीं दायित्व दिया जा रहा है। क्या सनातन के नए युग की शुरुआत है ये निश्चित रूपेण सनातन के नए युग की शुरुआत है। देखिए हमारे कल, देखिए हमारे अगर देखा जाए तो कल हमारे देश के एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ऐसे महापुरुष, क्रांति दूत, जिन्होंने इस समाज को एक किया, उन्होंने एक नारा दिया, एक एक हम लोग बने। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो किसने दिया दूसरा, एक भारत उन्होंने कहा, और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा श्रेष्ठ भारत, लेकिन नेक भारत की जो नींव डाली वो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने डाली। तो नेक भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत जो नींव है, उसी को मजबूत करने के लिए, आज इस सोच के संकट को दूर करने के लिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी रोज रोज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नया विचार दे रहे हैं, ताकि समाज जगे और 146 करोड़ लोग उठकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री राम के उस मार्ग को अपनाएं जिस मार्ग ने सबको गले लगाया जी, कोई भेदभाव नहीं किया। आज उसी की जरूरत है, भेदभाव की दीवारों को तोड़े, बिल्कुल जाति पाति की दरारों को भरे और दिलों को जोड़ें, और ताकि भारत को हम लोग एक नए भारत की ओर, महान भारत की यात्रा पर ले चले, उसी की शुरुआत है भगवान श्री राम का ये दिव्य मंदिर, जो राष्ट्र मंदिर, वैश्विक मंदिर बनकर समाज को दिशा देगा। इस बात पर ताली होनी चाहिए, इस बात का स्वागत होना चाहिए और हर बार होना चाहिए। महामंडलेश्वर जी, एक सवाल आपसे है, हिंदू राष्ट्र का जिक्र हो रहा है, राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर कह रहे हैं स्वामी जी, आप हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोच रखते हैं और किस तरह से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या ये शुरुआत भी है? जो हिंदू है ये कोई एक संकीर्ण भावना का नाम नहीं है, ये संपूर्ण मानवता हिंदू में आकर समाहित हो जाती है। तो इसलिए हिंदू एक बड़ा व्यापक है, और जो ये देश है विश्व में हिंदू और मानवता, सनातन और मानवता, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो हिंदू किसी का विरोध नहीं करता, हिंदू धर्म का पालन करने वाला। वेदों ने कहा हमारे लिए, जब आप संसार में आए तो क्या करना, बोले मनुर्भवा, मनुष्य बनो, और मनुष्य कब बनोगे, जब तुम्हारे अंदर धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। और धर्म का स्वरूप क्या है, रामो साक्षात विग्रवान धर्मः, श्री राम का आचरण, श्री राम का व्यवहार, श्री राम का संपूर्ण वांग्मय, ये धर्म का स्वरूप है। जब हमारे अंदर हम राम जैसे या राम हो जाएंगे तो वास्तव में हम सच्चे अर्थों में एक मानव होंगे। और हिंदू ही एक ऐसा है
सनातन ही एक ऐसा है जो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो ये जो भावना है संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, ये परमार्थ की भावना है। और भारत को हर हाल में, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत सदा सदा हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, क्योंकि भारत धर्म की परिपालना करने वाला देश है। हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, केवल हमको अपने धर्म के मार्ग पर चलना है। और हम अगर अपने मार्ग पर चलते रहे तो ये देश सदा सदा हिंदू राष्ट्र रहेगा और पूरे विश्व को क्रवणतम आर्यम, हम संपूर्ण विश्व को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाएंगे, एक श्रेष्ठ विश्व बनाएंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है, बहुत बड़ी बात है कि एक पृथ्वी। जब हम वैश्विक स्तर पर चिंतन करें तो एक पृथ्वी के आधार पर चिंतन होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जेही के जेही पर सत्य से नेहू, सोते ही मिलही न कहू संदेहू। तो अगर आपके मन में राम है, राम के प्रति स्नेह है, प्यार है, तो आप भी राम के चरित्र को जरूर अपना सकते हैं। रोम रोम में राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही खास मेहमान का हमारे साथ यहां इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे एडिटर न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी को, वो मंच पर आएं और हमारे मेहमानों का धन्यवाद दें।